इतिहास का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य जो सदैव स्वतंत्र रहा, जिसने कभी भी मुस्लिमों को दक्षिण भारत में घुसने नहीं दिया, वह साम्राज्य एक छोटी सी भूल के कारण नष्ट हो गया। आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के नष्ट होने की पूरी कहानी। राजा कृष्णदेव राय के समय तक विजयनगर साम्राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बना रहा। राजा कृष्णदेव ने अपने सिक्कों में बाल कृष्ण की तस्वीर छपाई और साथ में वह काली माता के उपासक भी थे। इसी भक्ति के कारण उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को इतना विकसित किया कि बहुत से राजा इनसे ईर्ष्या रखने लगे थे। इसके बाद राजा बने अच्युत राय और फिर विजयनगर की गद्दी गई सदाशिव राय के हाथों में। इन्हीं के समय दक्कन के मुस्लिमों ने विजयनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके पीछे का मुख्य कारण था इनके मंत्री राम राय के द्वारा दक्कन के सुल्तानों के मध्य दुश्मनी खड़ी कर देना। जब दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों को यह पता चला तो उन्होंने एक साथ विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर साम्राज्य उस समय मुस्लिमों की सहायता ले रहा था और उन्होंने अपना सेनापति भी एक मुस्लिम को बना दिया था, जिसका नाम मोहम्मद गिलानी था, और उसके साथ साथ अन्य मुस्लिमों को भी अपने सेना में रखे हुए थे, और यही उनकी हार का मुख्य कारण बने थे। दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर की सेना के मध्य तालीकोटा में युद्ध हुआ, जो कि राक्षसी टंगरी नामक गांव के पास था। इसमें विजयनगर की सेना जीत रही थी, लेकिन सेनापति मोहम्मद गिलानी ने विश्वासघात किया और वह मुस्लिमों के साथ मिल गया। उसके साथ साथ अन्य मुस्लिम सैनिक भी उन मुस्लिमों के साथ मिल गए और विजयनगर की सेना के ऊपर ही उन्होंने आक्रमण कर दिया और विजयनगर की सेना परास्त हो गई। राम राय को चारों ओर से घेर कर अत्यंत निर्दयता और बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई और उसके बाद 6 मास तक हम्पी को नष्ट किया। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा, वहाँ के हिंदुओं को मारा और हिंदू महिलाओं के साथ शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं हुईं। इस तरह एक छोटी सी भूल के कारण, जो कि मुस्लिमों के ऊपर विश्वास करना था, उसने विजयनगर जैसे महान साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की शक्ति कम हो गई और धीरे धीरे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया।